सभी दर्शकों को ऋषिपाल दूर का नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं जींद जेल के सामने। अभी देखिए किसानों की पूरी लंबी कतार गाड़ियों की। अभी कुछ ही थोड़ी ही देर में भारतीय किसान टोल प्लाजा खटखड़ के जो प्रधान हैं खेड़ा खाप के सतवीर जी वो छूटने वाले हैं। उनके साथ और भी काफ़ी किसान हैं और वो क्यों पकड़े गए, कब पकड़े गए और कई दिन की उनकी ये जेल थी ये तो वही बता पाएंगे। और दूसरे जो हमारे साथ दर्शक हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जो है। आइए मेरे साथ देखिए केड़ा खाप के प्रधान आ ही गए हैं बाहर, लोगों से मिलते हुए, सभी किसानों से मिलते जुलते हुए। आनंद फूल मालाओं से किसान स्वागत करते हुए खेड़ा खाप के प्रधान सतवीर का। बारी बारी से किसान स्वागत करते हुए और इसमें देखिए नौजवान भी स्वागत करते हुए। थोड़ा दून पर आपका स्वागत है पहलवान जी। धन्यवाद धन्यवाद आप पहलवान जी। आप अंदर कई दिन रहे? हम तीन दिन रहे। तीन दिन रहे। कुछ लोगों को कहना है कि सरकार से मिली भगत थी इसलिए अंदर गए? नहीं ऐसा है। माजरा विस्तार से बताना क्या था? उन लोगों का जिनका कहना है सरकार से मिली भगत थी। हाँ जी आपका चैनल से आप एक साफ बात कर दें कि हमारी सरकार से कोई मिली भगत नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल नहीं है। रही बात जो हम जेल में गए, हाँ जी हाँ जी, इसका बहुत बड़ा कारण था। हाँ जी हाँ जी, ताकि किसान टूटे ना। अच्छा जी, हमारी वजह से किसान टूटे ना। हाँ जी हाँ जी, और हम अपने दम पर ये रखें किसान हमारी वजह से ना टूटे, हमारा आंदोलन में फर्क ना पड़े। और सरकार यह चाहती थी कि भाई ये जेल में ना जाए, सड़कों पाए और ये काल दें, लठबाज मुकदमे हो, इसलिए हमने ये काम किया था। आप कितने किसान अंदर गए थे? हम आठ किसान। आठ गए थे। उनका कहना है कि 16-17 के नाम थे। हाँ। वो नहीं गए, ये क्यों गए अंदर? देखिए हमने इस किसान वर्ग की चिंता है। हाँ जी। ये उनका बारे में तो वो जाने, हमारा बारा हम जाने, भाई वो क्यों नहीं गए वो तो उनका काम, लेकिन हमने देश के किसान की चिंता है। जो इस देश में आंदोलन लड़ते हैं मुकदमे लगे हैं, जेल भी होगी और जमानत भी करानी पड़ेगी। अगर हम पीओ जब कर दिए कोर्ट ने, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी हाँ जी। पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी हाँ जी। कोर्ट ने पीओ करे हम। हाँ जी। और कोर्ट का हम सम्मान करते हुए, कोर्ट का अगर देश में कोई सम्मान नहीं करेगा तो धोखा खाएगा। हमने कोर्ट का सम्मान करे, ना सरकार का दबाव हमारा, ना किसी पुलिस प्रशासन का दबाव। अभी आप अंदर गए, पहले की केस का अभी ताजा केस थे? ये पहले के केस थे, ये यानी जो केस हमारे 40,000 माफ कराए थे हमने सेंट्रल सरकार से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनसे अलग केस थे, रोड जाम का था, कहीं ये फूके थे बीजेपी के झंडे फूक दिए थे हमारे कुछ महिला ने। आपके नोटिस आया था घर? हाँ नोटिस आया था। तो उस नोटिस के मुताबिक आप पेश हुए हो? नहीं नोटिस के मुताबिक हम पेश नहीं हुए, हमारे पास फिर हमारे किसानों के पास वारंट आए हैं। अच्छा जी। पीओ के वारंट आए हैं। हाँ जी हाँ जी। जब हमने पीओ के वारंट पढ़े हमने सोचा भाई ये तो कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के मामला हम नहीं कर सकते, कोर्ट का सम्मान करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन आंदोलन पर इसके मजबूती आई है ना कि कमजोरी। अभी आपको पूरा छुटकारा मिला है या बेल पर आए हो बाहर? बेल पाए हैं। बेल पर आए हो? हम बेल पाए हैं। देखिए पहले भी हमारी बेल चल रही है, पहले भी हमारी तारक लगी, अगर हम पीओ रहते इस देश में, हम पीओ रहते तो हमारा को कभी भी जब किसी किसान पर हमारे किसान वर्ग पर वक्त पड़ता उस टाइम उठा लेते हमने। हाँ जी। तो हमारा बहुत घाटा हो जाता, इसलिए हम बेल पाएंगे, फ्री होंगे, फिर आंदोलन लड़ेंगे। अभी पीपली का जो आंदोलन चला था हाँ। उसमें खट्टर जी ने कह दिया कि किसानों पर जितने मुकदमे वापिस लेते हैं, क्या वो खत्म नहीं हुए? आप नहीं हुए, खट्टर जी का हम कोई विश्वास नहीं करते, इस सरकार का विश्वास ही नहीं करते, ये कितनी झूठ बोलेंगे लोग, इस देश में कितनी झूठ बोलेंगे, इनका पाप का घड़ा भर गया है, सिर्फ फूटने वाला है। इस देश में एक ही बार हुआ है पाप का घड़ा
मट्टी का घड़ा एक बार भरा था, लेकिन इस सरकार का दो बार घड़ा भर लिया, ये बहुत जल्दी फूटने वाला। और खट्टर का क्या विश्वास, वो किसान नहीं, जवान नहीं, जमींदार नहीं, मजदूर नहीं, उनका घर में बहू बेटी नहीं, उनका क्या विश्वास करेंगे हम। पहलवानों के बारे में आपका क्या कहना, अभी एक अच्छे पहलवान रहे। पहलवानों के बारे में हमने पहले कह दिया था, दिल्ली में कह दिया था कि कुछ लोग आपके बीच में है, उनका ध्यान रखना, आप आंदोलन चलाओ, हम उनके साथ। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी पहलवान? आगे रणनीति वही रहेगी, इसी तरह आंदोलन चलते रहेंगे, जब तक सरकार आपकी बात नहीं मानती। बात नहीं माननी, हमारा टारगेट अब ये है कि जब तक MSC की गारंटी नहीं देंगे तब तक आंदोलन चलते रहेंगे। अभी 2024 आने वाला है, अभी हम थोड़ा और रणनीति बनाया है, हमारा देश का किसान अभी मीटिंग में बुलाए हैं, मीटिंग में जाएंगे, रणनीति बना के चलाएंगे हम। सरकार की जो मंशा है नहीं, वो हम पूरी नहीं होने देंगे। पूरे देश को, किसान को हम बता दिया, पर सरकार की मंशा है रोडों पर लाओ, लठ बजाओ, मुकदमे करो, कुछ मेडिकल में, कुछ जेड़ा में, कुछ थाने में, हम ऐसा सरकार की मंशा पूरी नहीं होने देंगे। पहलवान जी, आखिरी प्रश्न रहेगा, अभी 2024 का भी इलेक्शन आने वाला है, क्या इस आंदोलन का असर पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर? पड़ेगा, हमें तरीकाबंद आंदोलन लड़ेंगे, हमारी दो आंखों की बजाय अभी चार आंख रहेंगे, भाजपा को देश से भगाना और हमारी मांग को मनवाना। ये थे हमारे साथ सतवीर पहलवान जी केड़ा का, आपके बहुत बहुत धन्यवाद किसान जी।